हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर ब्लॉग बनाना चाह रही हूँ, तो मैं अभी बताती हूँ आपको। सुबह के 9 बजे हैं, अभी अभी हमने क्या क्या किया है। अभी मैंने नाश्ता बनाया है। नाश्ते में क्या बनाया है वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नाश्ता बनाया है स्वीटी ने, उसने बनाई है आलू की कचौड़ी और बच्चों के लिए मैंगो शेक, और कुछ बनाई है हमने रोटियाँ, वो भी आम की कच्ची जो सब्जी होती है उसके साथ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। और जो तो जैसे मैंने पहले भी बताया अपने ब्लॉग में कि कढ़ी मैं पकौड़ी से नहीं बनाती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ मैं आलू की। मेरी रेसिपी जो है कढ़ी आलू वाली आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कढ़ी को लाइट करके बनाना है। तो कढ़ी मैंने शुरुआत कर दी है, आप देखते जाइए। इसी कढ़ाई में कचौड़ियाँ बनाई हैं और इसी कढ़ाई में मैं कढ़ी का छोंक बनाऊंगी। ये मैंने पकौड़ी की तरह के आलू काट के रख लिए हैं और अभी फ्राई करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये दही है, इसमें बेसन डालूंगी। प्याज लहसुन को मैंने काट लिया है, अब मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी और एक चूल्हे पे चावल भी साथ में चढ़ा दूंगी। तो मेरी कढ़ी और चावल बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं। तो चलिए, कढ़ाई में मैं छोंक बना रही हूँ कढ़ी के लिए। इसमें मैंने सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, फिर मेथी और प्याज लहसुन और ये पकौड़ी की तरह के काट के आलू डाले हैं, कढ़ी पत्ता, और अगर आप खाते हैं तो साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये छोंक को मैं अभी फ्राई कर रही हूँ और इसमें मैंने चढ़ाए हैं सिंपल चावल। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी और नींबू का। तो ये छोंक हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया है अच्छे से, आलू बिल्कुल गल गए हैं। और ये बनाया है मैंने दही में बेसन डाल के, अभी मेरा पेस्ट गाढ़ा है। इसमें मैं डाल चुकी हूँ हल्दी, नमक, मिर्च, हींग और सौंठ और थोड़ा सा सूखा धनिया। पेस्ट तैयार है। बेसन के पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया है छोंक में, और अब मैं इसको तब तक बॉईल होगी चलाती जाऊंगी, बनने पे आपके साथ शेयर करूंगी। कढ़ी के साथ खाए जाने वाले चावल तैयार हैं। कढ़ी मेरी कढ़ाई ज्यादा भर गई थी, तो इसलिए मैंने दो बर्तनों में इसको बॉईल आने पे थोड़ा थोड़ा कर दिया है। अब बिल्कुल सिम आंच पे मैं इसको कम से कम 15-20 मिनट बॉईल होने दूंगी और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कढ़ी कैसी बनी है। इसकी देख सकते हैं आप अभी कितनी पतली है। सभी चीजें मैं डाल चुकी हूँ, अब मैं इसमें थोड़ा, ये मेरे पास सूखा हरा धनिया है ये डालूंगी, और ये सूखा पुदीना है। सभी चीजें मैं इसमें डाल चुकी हूँ, तो अब ये धीरे धीरे बॉईल होती रहेगी। ये सूखा पुदीना आप सुखा के रख सकते हैं या जैसे भी आप चाहें हरा भी डाल सकते हैं। पुदीना इसका बहुत ही मतलब कढ़ी के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये सब डाल के अब मैं इसको बॉईल होने दूंगी। तो धनिया पुदीना डालने के बाद आप देख सकते हैं कढ़ी में कितना अच्छा कलर भी आ गया है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, जो कढ़ी में अलग ही पता चलता है कि इसमें धनिया पुदीना डाला हुआ है। दोनों जगह की मैंने एक जगह करके इसमें गरम मसाला डाल दिया। अभी इसको अभी मैं 15 मिनट और ऐसे ही पकने दूंगी बिल्कुल धीमी आंच पर। और ये एक और चीज मंगवाई है मैंने, चुन्नी है बहुत ही सुंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑरेंज कलर, ये कितनी सुंदर चुन्नी है। बस इसकी किनारी से और ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाई है 449 में। मुझे बहुत पसंद
ही अच्छा है, लेकिन इसमें कई छेद हो रखे हैं। पास से देखिए, दिखा दे, दिख रहे हैं ना छेद इसमें। इसका मैं कलर चेंज करके तो सॉरी कलर कपड़ा वो पूरा ही चेंज करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें छेद हो रखे हैं। पसंद तो मुझे बहुत आई है, कई छेद हो रहे हैं। शाम में बनाए हमने आलू टमाटर, खाना हमने खा लिया है। थोड़ी देर नीचे घूमने के लिए आए हैं, आज तो बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी देर ही घूम पाएंगे। मैंने बिल्कुल ही सादा से आलू टमाटर बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, और अभी सब लोगों का खाना अभी रह रहा है। अभी हम बाहर से घूम कर आए हैं, बहुत ही गर्मी हो रही है बाहर, तो थोड़ी देर एसी में बैठेंगे, एसी की हवा खाइए ठंडी ठंडी। बच्चों का भी खाना रह रहा है, और आज कब लोग यहीं पूरा करते हैं, कल कुछ नए कंटेंट के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।